यो व्हाट्स अप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्म एजुकेशन। एंड आज हम लोग बात करेंगे क्या CUET के थ्रू ANM और GNM करना पॉसिबल है, एंड उसी को लेकर आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज है 11 मार्च एंड कल 12 मार्च है। तो कल के दिन से आपको फॉर्म, मतलब कल के 11 बजे रात से आप फॉर्म तो फिल अप नहीं कर पाएंगे, तो उसी को लेकर आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और BSc नर्सिंग के 5 कॉलेज की लिस्ट भी मैंने बता दिए थे, वो सारे के सारे कॉलेजेस सेमी गवर्नमेंट थे, ठीक है ना, पूरा प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, ठीक है। तो CUET के थ्रू बेसिकली ना मैं प्रीफर करूँगा दैट आप BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम्स मत दो, क्योंकि वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम चांसेस होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिस्ट आपको दिखाने वाला हूँ आगे, बट अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी सारा अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। तो अभी हम लोग नीचे जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मान लो मैं एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ, अमेठी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, ठीक है, ठीक है। अब ये कौन सा कोर्स करा रही है, ठीक है, देख सकते हो BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc मैथमेटिक्स, BSc अर्थ साइंस एंड बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन एंड BTech इन बायोटेक्नोलॉजी मिल गया। देखो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का डिमांड थोड़ा ज़्यादा रहता है, BSc बायोटेक्नोलॉजी ये भी, ठीक है, BSc IT हो गया, BCA भी हो गया, BTech भी हो गया, बट यहाँ पर हम लोगों को वो नहीं मिल रहा नर्सिंग के लिए, BSc नर्सिंग ऐसा कुछ नहीं मिला, ना ही हम लोगों को ANM और GNM कोर्स को देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक मेडिकल कोर्स मिल रहा है, दैट इज BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं BMLT। ओके, तो मेडिकल कोर्सेज तो है बेसिकली CUET के थ्रू, बट उतने नहीं, ठीक है। तो एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ANM और GNM जो है ना, चांसेस कम रहते हैं CUET के थ्रू करने से, ठीक है। अगर आप CUET का एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैं प्रीफर करूँगा दैट आप एग्रीकल्चर के लिए दो, BSc के लिए दो, हाँ, अगर आप BSc करना चाहते हो तो, या फिर एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो, ठीक है। नर्सिंग के लिए चांसेस बहुत कम रहती है, तो नहीं मिल रहा, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग कोई और यूनिवर्सिटी चेकआउट करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था आपको एपेक्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, एपेक्स यूनिवर्सिटी BSc नर्सिंग भी करवाती है, तो क्या इस बार ही है, यहाँ पर मैं देखो चेकआउट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप नीचे जाते हो देन आपको यहाँ पर तो हम लोगों को देख BSc प्लस MBA इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये मिल गया, BPharm मिल गया, BPT मिल गया, MLT मिल गया, देखो BSc नर्सिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एपेक्स यूनिवर्सिटी जो है वो BSc नर्सिंग भी करवाती है, तो यहाँ पर फाइनली आप लोगों को BSc नर्सिंग ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से है ना, BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को भी देखो अगर जिन लोगों को भी मतलब CUET का एग्ज़ाम देना है, तो BSc नर्सिंग के लिए दे सकते हो आप, एग्रीकल्चर के लिए दे लो, BSc के लिए दे दो, एंड अदर BCA कोर्स हो गया, ये सब के लिए दे दो, बट ANM GNM नहीं मिलने वाला आपको वहाँ पर। तो मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन यही था दैट ANM GNM आप नहीं कर सकते, बट यस BSc नर्सिंग आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, एंड कोई सा भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आगे आपको गाइड करते रहूँगा। मिलते हैं नए और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।